लर्निंग विद द डिफरेंस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी समाचार 4 मई की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय समाचार। रिकॉर्ड 17.5 लाख एसी की बिक्री, प्रचंड गर्मी के बीच एयर कंडीशनर की मांग में 2022 में बड़ा उछाल। दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना दिल्ली, कोविड महामारी से पहले 23वें नंबर पर था काबिज। बॉर्डर पर ईद, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को ईद के मौके पर एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। छुट्टियां रद्द, राज ठाकरे की चेतावनी के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र पुलिस। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का शोर धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, सभी लाउडस्पीकर अवैध है। महिला ने 12 लोगों को थमा दिए रेलवे में जॉब के लिए लेटर, करीब 60 लाख रुपए ठगे। मंगलवार को ईद के जश्न के बीच राजस्थान के जोधपुर में फिर झड़पे पथराव, इंटरनेट सेवा सस्पेंड। देश भर में 3 मई को ईद की धूम रही, दिल्ली समेत कई शहरों में सुरक्षा कड़ी, जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ा नमाज, पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे। और अब कुछ विदेश समाचार। पीएम मोदी है 3 यूरोपीय देश की यात्रा पर, पहला पड़ाव था जर्मनी। ट्विटर के नए सीईओ की खोज में लगे एलन मस्क, पराग अग्रवाल का जाना तय। पराग अग्रवाल को नवंबर में ही ट्विटर का मुख्य कार्यकारी बनाया गया था। चीन, फ्रांस समेत अन्य देशों में फिर फैल रहा है कोरोना, हालत चिंताजनक। यूक्रेन युद्ध का असर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से अलग होगा रूस। और अब कुछ खेल समाचार। किरण पोलार्ड के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने T20 और वनडे के लिए निकोलस पूरन बने वेस्ट इंडीज के नए कप्तान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने आईपीएल के प्लेऑफ और फाइनल मैच के वेन्यू का ऐलान कर दिया। आईपीएल प्लेऑफ अहमदाबाद में होंगे तो वहीं फाइनल मुकाबला 29 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित होंगे। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 5 मई तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश की संभावना है। समाचार में इतना ही, धन्यवाद।